जी नमस्ते सर। सर मेरा कल भी फोन मिल गया था तो, और आज भी मिल गया सर, बड़ी खुशी हो रही है हमको। सर मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड और बीपी की प्रॉब्लम है, वो जब उनको प्रॉब्लम रहती दवा खा लेते हैं तो आराम मिल जाता है, लेकिन वो बार बार नहीं रहती है, इसलिए चाहते हैं कि आप कोई बता दीजिए दवा। ठीक ममता जी, देखिए अलसी अलसी लें, दो 400 ग्राम ले लीजिए, सस्ती आती है अलसी, और इसको साफ करें, कंकर वगैरह भी बहुत मिला देते हैं इसमें, और हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। ये देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, और कम से कम 10 बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है, 10 बीमारियाँ। ये घर में रहना चाहिए, कोई रोगी हो या ना हो, ये घर में होना चाहिए, और अच्छे परिवार इसको रखने लगे हैं। तो अलसी को लेकर हल्का सा भूनें, पाउडर बना के रख लें, ज़्यादा नहीं भूनना, और एक नमक जैतून आता है वो ख़रीदें, वो अलग से रखें। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें, और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में ये डाल लें, मिक्स कर लें, आराम से मिक्स हो जाता है। और 1 चम्मच अलसी खाएं, आधा चम्मच या 1 चम्मच, और ये 2 गिलास पानी पी लिया करें, एक बार या 2 बार दिन में, बहुत परेशानी है तो 2 बार। तो ये किडनी के सिस्टम को अच्छा करता है, जो किडनी की जिम्मेदारी है कि वो यूरिक एसिड ज़रूरत के मुताबिक रोके, उससे ज़्यादा पास कर दे, लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो ये नस्खा उसको ज़िम्मेदार बनाता है। फिर इसकी और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं किडनी की, कि क्रिएटिनिन ना बढ़े, यानी गंदगी जो किडनी में होती है, आलूदगी, वो ना बढ़े, तो उसको भी, मतलब उसके सिस्टम को अच्छा करता है। फिर लीवर को बिल्कुल तंदुरुस्त कर देता है, जैसे धो मांज के रोज़ाना आप बर्तन रोज़ाना आप बिल्कुल नए जैसे कर देते हैं ना, ऐसे लीवर किडनी दिल और इसको ऐसे धो मांज के करता है। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है तो खून को साफ करता है, और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन और स्किन की प्रॉब्लम, कोई दाने निकलते हो, खुजली निकलती हो और मुहासे निकलते हो, चेहरे पे मुहासे निकलते हैं, वो बेहिसाब ताकत, यहाँ तक कि तेज़ी से काम करता है, यहाँ तक कि सोराइसिस तक के मरीज़ इसको ले सकते हैं जी।